Hey guys, welcome back again my YouTube channel. आज मैं हमारे घर के घर से लगभग 3 किलोमीटर ऊपर दो एक नदी है, उस नदी का नाम है गिलधर नदी। उस नदी पे अभी पानी भर चुका है और वहाँ पर जाके आज मैं दोस्तों के साथ नाव चलाऊंगा और नाव चलाएंगे, फुल एंजॉय करके आप लोगों को नाव से वीडियो दिखाऊंगा। तो आप लोग वीडियो पे एंड तक बने रहिए और मैं अभी नाव पर उठता हूँ। गाइस फाइनली मैं अभी नाव चढ़ने वाला हूँ और मैं नदी के किनारे पहुँचता हूँ। मैं नाव पे उठ के आप लोगों को दिखाता हूँ नदी। मैं नाव पर उठ चुकी हूँ और नाव से आप लोगों को दिखाता हूँ पूरा नदी। आप लोग वीडियो पे पूरा लास्ट तक बने रहिए। ये मेरे भाई नाव चला रही है, नाव में मुझे डर भी लग रहा है पहली बार। तो गाइस ये नाव, ये मेरा भाई है, नाव चला रही है, जो एक बहुत ही अच्छा नाव चलाता है। उसे तैरना भी आता है। गाइस मुझे तैरना भी नहीं आता है, इसलिए मुझे थोड़ा डर लग रहा है पहली बार। तो गाइस ये नदी की बीच की नजारे से आप लोगों को दिखाता हूँ। तो आप लोग अभी अच्छे से दिखाओ मैं बैक कैमरा से। ये नदी एक क्या सीन है गाइस, क्या साफा पानी है यार इधर के। ये गाइस खड़ा से जो हमारे दोस्तों लोग मच्छी मारता है वहाँ पर मच्छी मार रहा है लोग। तो गाइस ये देखिए मेरा भाई नाव चला रहा है, एकदम राइडर यार राइडर। ये मेरे बैग पर पशन बांध के है मेरा दोस्त। हाय बोलो भाई, हाय बोलो। ये मेरा दोस्त बुल्लू है। हाय बोलो भाई, हाय हाय। कैसा लग रहा है नाव पर चढ़ के? बहुत अच्छा। कुछ मेरे लिए कुछ बोल दो आप मेरे सब्सक्राइबर को। हाय गाइस, संदीप मारा दास को सपोर्ट करो और बहुत सारा प्यार दो। तो गाइस प्लीज मुझे सपोर्ट करो और मुझे प्यार दो ताकि मैं आप लोगों के लिए और नया वीडियो ला सकूं। गाइस मेरे भाई एकदम अच्छे से नाव चला रहा है। ये आप लोग देखो नदी क्या पानी है गाइस, बहुत साफा पानी है, एकदम क्लीन पानी है। आप इसे खा भी सकते हैं, एकदम प्योर फिल्टर जैसा पानी है। तो गाइस इस नदी इधर से बहते हुए डायरेक्ट ब्रह्मपुत्र से लग चुका है। इधर से 3 किलोमीटर दूर पर ब्रह्मपुत्र है, जो मैं मुझे कभी मौका मिलता है तो आप लोगों को दिखाऊंगा ब्रह्मपुत्र नदी। आप लोग कमेंट में बोलिए इस नदी को कैसा है। अच्छा मेरे फ्रेंड ने एक मछली पकड़ा है, ये आप लोग देखिए इस मछली का नाम क्या है मुझे नहीं पता है, तो आप लोगों को अगर पता हो तो कमेंट में बताना प्लीज। मछली को छोड़ दो यार नदी पे। तो गाइस नदी के उस पर आ गए हम। यहाँ पर फॉरेस्ट है गाइस, काजीरंगा नेशनल पार्क, जो असम की एक पॉपुलर फॉरेस्ट है। शायद इसका नाम वर्ल्ड में भी है, मुझे इतना नहीं पता, अगर पता हो तो आप लोग प्लीज कमेंट में बोलना मुझे। उसके साथ मैं फाइनल नदी के ऊपर आ चुका हूँ। गाइस आप लोगों को मैं दिखाता हूँ नदी के इस पार की नजारा। दोस्तों इस पार की हरियाली आप लोग देख सकते हैं, इसलिए मतलब इधर से जो गाय गोरु है ना उसका वो अच्छा गाय दूध भी ज्यादा देता है और इधर में मतलब जानवर भी मिलता है। इधर में रात होने से हमारे घर के उधर भी जानवर जाता है, बहुत जानवर। पार्क देखना है तो हम लोग उसका वीडियो बना देंगे, आप लोग कमेंट करिएगा। और कुछ हाथी वगैरह होता है इधर में, हाथी है, बाघ है, सियाल है, जंगली जानवर बहुत सारा है इधर। मतलब क्या बोलते हम लोग, मतलब गांव से है ना तो इधर पास से लोगों को मतलब घर से पास से। मेरे पीछे जो पर्सन है ये मेरा बहुत ही अच्छा मेरे बेस्ट फ्रेंड ही है यार। इसका भी चैनल है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका भाई का लिंक दे दूंगा, प्लीज आप लोग उसे भी सपोर्ट करना। इस भाई का अभी 1K होने वाला ही है। गाइस जैसे मुझे सपोर्ट कर रहे हो आप लोग, प्लीज भाई को भी कर देना, भाई के 1K के एकदम करीब है यार। दोस्तों अभी हम जंगल के बहुत अंदर आ चुका है। अरे इधर पे मेरे गाय सब मिल गए है। मेरे गाय इधर पे घास खा रहा है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इधर पे हमारे गांव में जितने भी लोग हैं सबकी गाय इधर पे देता है नदी के उस पार। दोस्तों आप लोग कैमरा के बैक पर अकेले देख सकते हैं क्या घास है इधर पे, एकदम अच्छा प्लेस है एकदम। इधर पे ये मेरी प्यारे गाय कितनी सुंदर से घास खा रहा है यार, एकदम दिल लग जा रहा है इस पर। ये मेरी गाय है कितनी सुंदर से बेचैन से घास खा रहा है यार। तो गाइस अभी हम नदी के उस पार जाएंगे। अरे इतना आज के
ब्लॉग अच्छा लगता है तो सपोर्ट करना मुझको, ताकि मैं आपके लिए और सारी अच्छे अच्छे वीडियो दे।